पहले भाई शो में जाने वाले खतरे खिलाड़ी कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है भाई। ये देखो यही समुंदर होगा, ऊपर से फेंक देंगे हमें पानी में, देखते हैं इसको तैरना पड़ेगा वहाँ पे। बस ये है कि तैर करके वहीं पे रहना है, वापस नहीं आना इंडिया। तीन महीने बाद एक महीना एक्स्ट्रा रुक के आएंगे। तो किस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है? किसी चीज़ से नहीं भाई। ऐसा कोई डर है जिससे ओवरकम करना चाहते हैं प्रतीक? देखते हैं यार वहाँ पे सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो अभी पता लगेंगी वहाँ पे जाके क्या होता है एंड वहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है इंसान, वो वहीं पे जाके पता लगेगा। बट आई एम श्योर कि रोहित सर होंगे तो वो पंप करेंगे और हम घुस जाएंगे फिर। और यार रोहित सर बहुत मोटिवेट भी करते हैं और प्रैंक भी खेलते हैं, तो उसके लिए कितने तैयार हैं? बहुत तैयार हैं यार, मजा आने वाला है, बस जो भी होने वाला है बहुत मजा आएगा। और भी सारे कंटेस्टेंट है, मुनावर है, अरे आ जा आ जा, थोड़ा ये साइड आ जाइए जरा पीछे, तो ये अगेंस्ट लाइट होता है, डर जाए ना, अबे इसे डर जाए ना, तो शो कैसे कभी पीछे कभी वार नहीं करना चाहिए भाई, सामने से आके लगा। हां ये ना बात, ये ना बात, ये जाता जा ना नंबर अभी जो है। अरे और इंटरनेट सेंसेशन है, क्या कहना चाहेंगे उनके साथ? मैं कह सकता हूँ कि यार वो बहुत हार्ड वर्किंग है, तभी वो भी यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि बिना किसी बैकग्राउंड के कोई इंसान अगर यहाँ तक पहुँचता है वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। एंड आई विश हिम द बेस्ट। हम लोग अच्छे से ऑब्वियसली अच्छी हमारी बातचीत है यहाँ पे अभी तक, एंड आगे जाके भी अच्छा रहेगा। और वो भी अपना वर्क हार्ड करें, हम भी अपना वर्क हार्ड करें, जो जो बेटर होगा वो जीत जाएगा, जो नहीं भी होगा वो भी जीत जाएगा। मैं समझ के देख लूंगी पहला एलिमिनेशन वाला इंटरव्यू यहीं पे ले लो। अच्छा उसका मेरा बहुत भाई, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़िया बंदा है राजीव एकदम। वो भूल चुका है कि बिग बॉस में मैंने उसको बहुत हराया है टास्क में, वो भूल चुका है, मैं भूल चुका हूं ये बात। सब बेस्ट करें, सब अपना 100% हार्ड वर्क करें, जो सब अच्छा है, जो हो रहा है सब। पहला ब्रॉड ट्रिप है भाई।